Good evening, everyone. Hope you are doing well. Welcome back to yet another amazing episode of the Ad Melora series. My name is Gunin Goel, and I'll be your host for the evening. Today, we have with us one of the most prolific Kabaddi players of all time, who started out as a defender and now is one of the top raiders of the country. He sits at the top of the raiders list in Pro Kabaddi League. He was also a member of the Indian national team that won the gold medal for 2016 South Asian Games. You must have guessed his name by now. He is none other than Mr. Rahul Chaudhary. So, kaise hai sir aap? Main ekdam first class. Sir, pehle to bahut bahut dhanyawad aapka hamari janta ke liye samay nikalne ke liye. Hum aapke bahut aabhari hain iske liye. Thank you. So, sir, आपसे आपके बारे में तो हम जानते हैं, आप कितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं कबड्डी में. आपने तेलुगु टाइटंस के लिए 6 सीजन, पुनेरी पल्टन्स के लिए 1 सीजन और तमिल थलाइवास के लिए भी 1 सीजन खेला है. तो इनमें से आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? मेरी सबसे पसंदीदा टीम तेलुगु टाइटंस हैदराबाद. कोई खास कारण? बिकॉज कि मैं 6 सीजन के साथ रहा और बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे खेल रहा. मेरी हाईएस्ट परफॉर्मेंस भी जब ही रही है तेलुगु टाइटंस में रहा. और बहुत फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, तो इसलिए मेरी फेवरेट टीम तेलुगु टाइटंस. तो वो मतलब कोई आपकी अच्छा पसंदीदा मेमोरी जो आप हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहते तेलुगु टाइटंस की, कोई मजेदार किस्सा, कोई ड्रेसिंग रूम का ऑन फील्ड किस्सा, कोई भी? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है. मैट का सभी को पता है, जब खेलते थे तो लाइव भी खेलते थे, तो पार्ट टाइम तो वैसे ही प्रैक्टिस के बाद कहाँ इतना एंजॉय करने का टाइम मिलता था. वो तो गेम के टाइम तो सीरियस प्रैक्टिस चलती थी, कोचेस छोड़ते ही नहीं थे. सुबह शाम प्रैक्टिस, दिन भर सोना, यही लगा रहता था वहां पर. तो आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपकी भाभी आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है कबड्डी को फॉलो करने में, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो बहुत बड़ी रही क्योंकि गांव में कबड्डी खेलने वाले वाली थे, जॉब वगैरह भी है, इसमें कैरियर भी है. बस गांव में तो खाली अपने टाइम पास के लिए खेलते थे. तो वैसे मैं 10th पे जब पास किया तो उसके बाद मैं रनिंग स्टार्ट की. मैंने गांव में फौज में का ज्यादा क्रेज रहता है कि आर्मी में किसी का लड़का हो जाए या पुलिस में हो जाए, तो गांव में उसका बहुत ज्यादा क्रेज जाया करता था, अभी भी है. तो मैं स्टेडियम जाया करता था बिजनौर, माय डिस्ट्रिक्ट बिजनौर. तो वहाँ पे जो मेरे भाभी जी हैं भी, वो वहाँ पे कबड्डी कोच थी उस टाइम. तो एक दिन ऐसे ही ट्रायल हो रहा था कहीं का, तो मैं भी चला गया. फिजिकल करने के बाद फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद मैं चला गया थोड़ी देर के लिए, मैं चलो कबड्डी खेलते हैं आज देखते हैं. तो वहाँ चला गया, मैं अच्छा खेला, मेरी हेल्थ अच्छी थी और फिटनेस वगैरह, तो मैं एथलीट था तो अच्छी थी. तो उन्होंने बोला कि तू कहाँ रनिंग कर रहा है, तेरा फ्यूचर तो बहुत अच्छा है कबड्डी खेलना. तो तब तो कहीं भी लग जाते जो जैसे बोलते, तब तो ये थोड़ी समझ थी. बोला कबड्डी में चलो. हाँ, कबड्डी तो खेलते रहते थे, वैसे भी क्रेज था कबड्डी का. तो वहां पे जाने लगा, फिर मैं डेली जाके फिर थोड़ा कबड्डी खेलता था. तो क्या आपको आर्मी चाहिए, जल्दी भर्ती कर, नेशनल इंटरनेशनल तक है कबड्डी और इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है. तो वहां से मैंने फिर सीरियसली कबड्डी स्टार्ट की. फिर मैं स्टेट हॉस्टल में रहा जो कि उन्होंने किराया था मुझे. फिर उसके बाद स्टेट हॉस्टल से बाद मैं केंद्र की जो संस्था है भारतीय खेल प्राधिकरण, साई शॉर्ट फॉर्म में साई बोलते हैं उसको. अच्छा. हाँ, फिर उसमें हुआ. तो इसलिए सबसे पहले कोच मेरी वही रही है. पहले भाई रहता था तो तब तक तो वैसे मस्ती के लिए खेलते थे. और जब पता चला कि इससे नेशनल इंटरनेशनल होता तब जाके मैं सीरियस हुए इसमें. फिर उस टाइम इतना क्रेज नहीं था क्योंकि बिकॉज प्रो कबड्डी नहीं थी. तो उसमें ऐसे रहता था, डामाडोल खेले ना खेले, यार क्या होगा क्या नहीं होगा. तो घर वालों की बहुत डांट थी. अच्छा. तो माता पिता के आपत्ति के बावजूद आप कबड्डी खेलते थे, तो उसके उससे कुछ वैसे मुश्किल आती थी या कुछ ऐसे, आपने कैसे उसको मैनेज किया? काफी मुश्किल आती है कि हमारे टूर्नामेंट होते थे गांव में, तो वो नाइट के टूर्नामेंट होते थे, तो कई दिन में होते थे, कभी नाइट के होते थे, एक ही दिन का टूर्नामेंट होता था.
तो हम जाते थे जी खेलने के लिए, तो मम्मी तो कहाँ इतना कुछ कहती थी, पर फादर बहुत ज्यादा पिटाई करते थे पढ़ाई के लिए, तो अच्छा अच्छा हम पीछे से कूद के दीवार कूद के चले जाते थे खेलने के लिए, अच्छा और जब खेल के जीत के आते थे तो घर देख के जाना पड़ता था। पहले मम्मी से पूछते थे कि पापा घर पे हैं, बोल के नहीं आ जाओ, तो जब नहीं होते तब जाते थे, तब बहुत बात मजेदार थोड़ी किस्सा। जब थोड़ी बात दब जाती थी, क्योंकि जब गुस्सा होता है उस टाइम किसी के सामने जाओगे तो पिटाई होनी होनी है। हाँ जी तो पहले फादर पीटते थे, फिर पूछते थे, हम गुस्सा होकर भाग जाते थे तो पूछते थे कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, ये अभी तक आए नहीं है, फिर हमें ढूंढ के लेकर आते थे वो। हम भी खुद घर के पास ही अच्छा रहते थे, देखते रहते थे घर का मूवमेंट क्या चल रहा है, कभी पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। तो हाँ जी काफी ऐसे मोमेंट थे कि यार कहाँ जन्म ले लिया, ये पिटते ही रहते थे आपको ना करी। तो कौन सा ज्यादा यहाँ मजेदार लगता है? प्रोफेशन अभी बहुत अच्छा लगता है। कबड्डी ज्यादा मजेदार है गाँव से मतलब। यस हाँ जी बढ़िया। जी हम अपने फन सेगमेंट की ओर चलते, अपने पहले फन सेगमेंट की ओर, थोड़ा माहौल को ठंडा करने के लिए सीरियस क्वेश्चंस का। तो पहला हमारा फन सेगमेंट है रैपिड फायर, आपने सुना ही होगा। इसमें हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और आपको जल्दी से जल्दी उनका जवाब देना है जो आपके मन में सबसे ओके पहले आता है। तो पहला सवाल, आपका फेवरेट कबड्डी प्लेयर? अजय ठाकुर, अजय ठाकुर। कोई कारण? बिकॉज कि वो बहुत अच्छा खेलता है, और फर्स्ट टाइम मैंने उसको देख के देखा था तो बहुत अच्छा, उसके दो तीन मोमेंट देखे थे कि रीडिंग के अंदर उसका बहुत ही हैंडसम भी था, और उसकी हाइट भी थी, और उसका गेम भी उसकी जबरदस्ती वाह, हैंडसम भी था, और उसकी सबसे हाइट टफ भी थी, डिफेंडर। और उसका गेम भी उसकी सुरेंद्र नाडा। ओके बढ़िया। सबसे टफ रेडर अभी या पहले? संजीव आपके ऊपर है, अभी भी बता सकते, पहले भी बता सकते हैं। आपने बालिया, जिसके साथ खेला हो, मैं जिसके साथ खेला, आपके लिए जो जिसको सबसे टफ आपको लगाओ। प्रदीप नरवाल। अच्छा, और आपके हिसाब से आपका पसंदीदा युवा खिलाड़ी? नवीन गोयत। और आपके हिसाब से यूथ कबड्डी का आगे फ्यूचर मतलब कैसा होगा, आपको देख के कैसा लग रहा है? कबड्डी का फ्यूचर अभी यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि दिन ब दिन कबड्डी बढ़ती चली जा रही, जो प्राइज मनी थी जिसमें टीम का जो था वो भी बढ़ती चली जा रही है। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी बीट हुई थी तो 8,20,000 की थी, और 1.5 CR तक मैं गया, तो अभी लास्ट सीजन जो प्रदीप नरवाल 1,65 तक गया, तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। अच्छा, और आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है आपकी टीम में? मेरी अजय ठाकुर के साथ ही सबसे अच्छी रही है। अच्छा, और आप कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके जिसको आप ओपोनेंट टीम में देखना चाहते हैं, जिसके साथ खेल के आपको बहुत मजा आता है? संदीप नरवाल, तो आप फिटनेस के और बहुत ध्यान देते होंगे, तो आपका फिटनेस रूटीन कैसा है, आप क्या मतलब करते हैं? फिटनेस में तो ये सुबह फिजिकल रहता था, अभी भी सुबह सुबह जो मॉर्निंग उठने के बाद 1-1.5-2 घंटे मैक्सिमम फिजिकल रहेगा, जिसमें कि आपको 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, फिर 15 या 20 स्प्रिंट होते हैं जो 50 मीटर के होते हैं, उसके बाद शटल रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज, पीटी एक्सरसाइज, फुल पीटी, तो फिर अपने डंड पुशअप्स वगैरह, तो मॉर्निंग में ये रहता था, और थोड़ी स्किल होती थी, तो मॉर्निंग में ये रहता था और थोड़ी स्किल होता था, फिर इवनिंग में फिर थोड़ी रनिंग होती थी, उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस, पहले स्किल फिर ग्राउंड प्रैक्टिस, जैसे कि पर डे एक मैच खेलना, सिचुएशन के हिसाब से 10 मिनट तुम ऐसे टॉस मिलता है, जैसे कि ए टीम बनाई और बी टीम बनाई, तो ए टीम को बोला कि आपके 5 पॉइंट पीछे हो, बी टीम 5 पॉइंट ऊपर है, तो 10 10 मिनट का अच्छा टॉस मिलता है ऐसे, तो उसमें बहुत अच्छा हार्ड वर्क होता था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी, और गेम प्रैक्टिस होती थी,
हाँ तो जी ये अपना बिल्कुल डेली रोटेशन रहता है। और मेन चीज होती है, मेन चीज खिलाड़ी के लिए होती है डाइट। बिल्कुल आप प्रैक्टिस के साथ साथ अगर डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करो तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ जी मेन है आप प्रैक्टिस चाहे थोड़ी कम कर लो, पर डाइट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। अगर ज्यादा हाँ खाओगे तो जी फैट बढ़ जाएगा, कम खाओगे तो मसल लूज हो जाएंगी। तो हाँ इसलिए जी डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। 80% डाइट और 20% प्रैक्टिस। 20% बिल्कुल ये जब आया, जब मैं 2010 के अंदर साई गांधी नगर में जो मेरा एडमिशन हुआ, तो हाँ जी एज ए डिफेंडर के बेस में हुआ, पर वहां के जो सीनियर्स थे, हमारे जो सीनियर थे डिफेंस पे, जैसे कि जो सा राइट कॉर्नर में खेलता था, तो वहां पे सतपाल नरवाल करके एक कॉर्नर थे हरियाणा से, तो वो बहुत ही तगड़ा खेलते थे उस टाइम। हमारे सीनियर जो थे इंडिया के लगभग सबसे टॉप टीम थी। तो उसके बाद एक और था उनके जूनियर, वो भी बहुत अच्छा खेलता था। तो जी उस पोजिशन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हाँ जी तो जैसे कहीं भी खेलने के लिए जाते थे तो पूरा पूरा टूर्नामेंट बाहर ही बैठे हो जाता था। तो मैंने सोचा यार ऐसे अगर बाहर बैठे रहेंगे तो यहाँ, उसमें एक्चुअली होता क्या, हर एक साल में 2 साल में आपको नेशनल खेलना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपको वहां से निकाल देगा। अच्छा तो मैंने सोचा यार बाहर बैठ के कौन खिलाएगा नेशनल, इससे तो कुछ और। तो टीम को जो वार्म अप करते हैं शुरू में, जब फर्स्ट 7 खड़े होते हैं, हाँ उसमें जी जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं वो टीम को वार्म अप करते हैं, ऐसे रनिंग करवा के उनकी उनको हाँ सेट जी करते हैं। तो वो सेटिंग कर करके ना मैं उसमें रेडर बन गया। तो एक दो टूर्नामेंट में मुझे वहां पे प्रैक्टिस में मैंने रेड मारनी स्टार्ट कर दी, रेडिंग करने लगा। तो वो सही रेडिंग करता था कि बिकॉज कि मैं रनिंग करता था, हाँ तो जी रनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो रनिंग के साथ मैं हैंड टच बहुत अच्छा करता था और मेरा बचाव भी बहुत अच्छा, टर्निंग बहुत अच्छी थी। तो उसको देखते देखते कोच ने बोला यार तो रेडिंग भी अच्छी करता है, जो हाँ मेन जी डिपेंडेंस में आपकी कैच नहीं हो रही तो समझ लो तो बढ़िया ही है आप। हाँ तो जी फिर कोच साहब ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। जयवीर शर्मा जी उस टाइम मेरे कोच थे, अभी भी वही है, साई में अभी प्रैक्टिस करता हूँ। तो हाँ जी ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है। तो आपने रनिंग असल में वेट लॉस के लिए शुरू की थी कि आपको पसंद था रनिंग करना इसलिए की थी? ये परिवर्तन कैसे आया था? रनिंग रनिंग तो एक्चुअली मैं जब आर्मी की तैयारी कर रहा था उसके लिए करता था। अच्छा तो आर्मी की तो बहुत हार्ड होती है रनिंग। तब मेरे अंदर हाँ जी हाँ फिफ्टी जी फाइव के जी बिल्कुल वेट होया करता था, पतला था, और बहुत अच्छी रनिंग भी मेरी अच्छी थी, इतनी बेकार भी नहीं थी मेरी। अच्छा 800 मीटर का मेरा 158 का रहा है जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी गाँव में, तो कि बहुत अच्छा होता है। और कभी पर भर्ती मैंने देखी नहीं थी, भर्ती की स्टार्टिंग कर रहा था तभी, कभी मैंने वैसे देखी नहीं, ओपन भर्ती देखी नहीं मैंने। अच्छा क्या आपको लगता है कि इंडिया एक उभरता हुआ देश बन के आएगा कबड्डी में? देखो कबड्डी में क्या है, पहले कोई भी जाओ मेडल लेके आ जाओ, ये सबकी सोच थी, वो सही थी। पहले जो गेम था वो इंडिया का ही था, अभी भी है, पर लास्ट टाइम एशियन गेम में हमारी टीम हारी थी अभी ईरान से। तब से प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई है, तो तब से हमारी टीम को देख देख के जो अलग कंट्री के जो प्लेयर्स आते हैं यहाँ प्रो में, तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी ईरान की टीम बहुत टक्कर की टीम है, हाँ जी तो आने वाले समय में हमें ये नहीं कह सकते कि हाँ गोल्ड मेडल हम ही लेके आएंगे। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत और बहुत ही अच्छी सिलेक्शन करने की जरूरत रहेगी। कभी भी टीम अगर हल्की भी लूज पड़ गई तो हम अपने हाथों से गोल्ड खो सकते हैं। तो यही है कि बिल्कुल आने वाले समय में बहुत ही टफ मैच रहे करेंगे कबड्डी में, क्योंकि कोरिया और ईरान काफी अच्छी टीम है। अच्छा आप एक सीजन तामिल चलाइए, उसके साथ आप मंजीत चिल्लर, अजय ठाकुर और मोहित चिल्लर जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ रहे हैं, तो आप अपना कुछ ड्रेसिंग रूम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सीनियर है वो, तो सीनियर के सामने तो वैसे भी साइलेंट रहना पड़ता है। अच्छा सीनियर से कभी ज्यादा मजाक भी नहीं कर सकते, वो हमसे कर सकते हैं पर हम उनसे नहीं कर सकते। तो और अजय और मंजीत तो बहुत सीनियर हैं, हाँ जी अच्छा तो ड्रेसिंग रूम में तो वैसे भी जब मैच चलते हैं तो खाली मैच की बात चलती है वहां पे, और अदर वो मिला नहीं करते थे, सब अपने अपने रूम में रहते थे।
पर काफी स्टारों में खेलने का मौका मिला, पर जितनी ज्यादा किसी टीम में स्टार होंगे तो उस टीम को हराना भी उतने आसान। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके साथ हम अपने अगले फन सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो आपने कहा आपको गाने और नाच का बहुत शौक है, तो उसी के लिए हमने आपके लिए एक सॉन्ग चैलेंज बनाया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप, और आपको बस जवाब देना रैपिड फायर की तरह, जल्दी से जल्दी बिना सोचे। तो एक गीत जो आपको शांत करता है, या जो आप मैचेस से पहले सुनते हो शांत होने के लिए। मैच से पहले तो हम हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि उस टाइम हमें जोश चाहिए, और तो उस टाइम कोई गाने का वो नहीं रहता। गाने तो कभी जब सुनते हैं, जैसे कि अकेले रूम में पड़े हैं तो तब कभी गाना सुन लिया। तो मेरा फेवरेट गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाँ जी बिल्कुल। नहीं आप कुछ लाइनें उसकी अगर गा सके हमारी जनता के लिए तो। अच्छा, नहीं अभी तो याद भी नहीं रहा। ठीक है सर। एक गीत जो आपको आपके परिवार की याद दिलाता हो। ऐसे तो कोई गीत नहीं है। ठीक है। एक अनोखा गीत जो आपके दिल के बहुत पास हो। यही ऐसे धीरे धीरे से जिंदगी का, कभी भी अगर मैं फ्री होता हूँ तो इसी गाने को गुनगुनाता हूँ, लूप है। अच्छा, तो हाँ यही सबसे फेवरेट और सबसे क्लोज जो गीत है यही है। और सभी जी ओल्ड सॉन्ग सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। अभी वाले सॉन्ग जो आते हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आते, ना तो अभी का डांस समझ में आता है ना अभी के हाँ सॉन्ग जी समझ में आते हैं। ठीक है। कोई मोटिवेशनल सॉन्ग जो आपको पसंद हो। मोटिवेशन तो यही है क्रांति जो सॉन्ग है, रंग दे बसंती चोला दिलदार रंग दे वाला, बसंती, ये क्या है, ये हाँ जी आपको अंदर से विल पावर देते हैं। आप जब खेलने के लिए जाते हैं, जैसे कि कभी भी कोई युद्ध होता है तो उससे पहले देशभक्ति गीत चलते हैं, तो वो ना आपके आपके ब्लड को पंप करते हैं, तो आपको जोश आता है, तो जोश के हिसाब से आप जाते हैं, तो आपके नर्वस जो होते हैं आप वो कहीं भूल जाते हैं फिर। तो ये हाँ सॉन्ग जी जो हाँ है वो जी ज्यादा अच्छे होते हैं अगर आप किसी भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो वो एक तरह का युद्ध ही होता है हमारा भी। गेम के अंदर जाते हाँ हैं, जी दूसरी टीम होती है, उनसे पॉइंट लेकर आना, 7 प्लेयर्स में उनको हराना, हार जीत तो लगी रहती है, पर मेन ये है कि आप नर्वस ना हो किसी के लिए। तो हाँ यही जी। सॉन्ग है जो आपको नर्वस दूर करते हैं। आपका कोई फेवरेट सिंगर। मेरा फेवरेट सिंगर है था अभी सिद्धू मूसेवाला, बेचारा अभी तो वो गुजर गए। हाँ जी सिद्धू मूसेवाला जी बिल्कुल, मेरा भी। आपकी कोई फेवरेट मूवी, आप किस तरह की मूवी देखते हैं वैसे यूजुअली। मेरे को वैसे जो स्कूल टाइप की जो स्टोरी होती है, जैसे फूल और कांटे, मोहब्बतें, हाँ जी ये इस टाइप की स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज मैं अभी की जो मूवी आती है तो मैं देखने भी नहीं जाता थिएटर में, तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी अभी तक 4 या 5 मूवी देखी होंगी। अच्छा ठीक है। आपका फेवरेट फूड क्या होगा आपके हिसाब से। अच्छा, मेरा फेवरेट फूड है दाल मखनी और शाही पनीर। बिल्कुल। तो इसके साथ हमारा ये अगला फन सेगमेंट भी खत्म होता है। आपने इसमें भी एकदम सही जवाब एकदम सटीकता से दिए। और सटीक हम जी आगे बढ़ते हैं। हर मैच के साथ आपका प्रदर्शन बेहतर होता जाता है, और आपकी टीम की एक्सपेक्टेशन आपके साथ बढ़ जाती होगी। तो आप उसके कारण कभी प्रेशर में आते हैं। नहीं, मैं कभी भी मैंने कभी कोई प्रेशर नहीं माना, क्योंकि मेरा काम है पॉइंट लेके आने का और टीम को अपनी जीत की ओर लेके जाना। तो मैं मैक्सिमम अपनी कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम के लिए मैं जितने भी पॉइंट ला सकूँ मैं लेके आऊँ, और अपने डिफेंस के लिए जो कर सकूँ वो करूँ, क्योंकि एक रेडर ही ऐसा है जो बोथ साइड और दोनों जगह काम करता है। सबसे ज्यादा जो जोर पड़ता है वो रेडर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उधर रेडिंग भी करके आनी है, पॉइंट भी लेके आने हैं, और इधर अपने डिफेंस के साथ उसको सपोर्ट भी करना है, क्योंकि मैक्सिमम सेकंड मैन जो खेलता है वो रेडर ही होता है। आप किसी को भी हाँ टैकल करेंगे टीम के अंदर तो रेडर का मोस्ट 50% रेडर ही उसमें सक्सेसफुल कराता है। जी। हर मैच के बाद आपके अपने लक्ष्य की तरफ करने के लिए प्रेरित करता है आपको क्या। अपने लक्ष्य की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता है कोई ऐसी खास चीज जिसको सोच के, जिसके बारे में सोच के आपको मोटिवेशन मिलती हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, बस जब भी मैच के लिए जाते हैं सोचते हैं कि बस आज मैच जीते,
ये मैच जीते वो ऐसे ही खेलते रहते हैं कि आज वो टीम है, इस टीम में ये अच्छा है, वो अच्छा है, उन टीम को देखते हुए बस रनिंग स्टार्ट कर देते हैं और खेल की ओर बढ़ जाते हैं। पर खेल जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पर जब एक बार मैच स्टार्ट हो जाता है तो फिर कोई नर्वस नहीं रहती, बस फिर तो लक्ष्य दिखता ही रहता है, बस अपना खेलते जाइएगा, 40 मिनट खेलना है धोना। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस कि लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ते रहे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? हाँ देखो, कोई भी क्षेत्र हो, आप चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो, हर हाँ चीज जी में एक आपको आपका फोकस, आपका हार्डवर्क और डिसिप्लिन, ये तीन आज तीन चीज अगर आप करोगे तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा सक्सेस रहेंगे। क्योंकि खिलाड़ी के उसमें भी काफी डिसिप्लिन हो गया, डाइट डिसिप्लिन हो गया, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हर चीज में चाहिए, और हार्डवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो कभी भी नर्वस मत हो, अगर अगला बंदा कोई भी हो, जैसे कि मैं हूं, मैं हाँ अगर जी 2 घंटे में वर्कआउट करता हूँ तो मेरे से आगे निकलने के लिए आप 2.5 घंटा करिएगा। और मेरा एक ही फार्मूला होता है, जब मैं खेलने के लिए जाता हूँ तो दूसरी टीम चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे पास भी 2 हाथ पैर हैं, उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, हाँ जो वो जी खाते हैं वो मैं खाता हूँ, हाँ जी तो मैं इनसे क्यों कम क्यों डरूं। तो जी बिल्कुल यही है कि डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, जो डर गया तो मर गया। तो हाँ दबा जी के आप खेलिएगा, और एजुकेशन में जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने जो आपके आपके बराबर में जो पढ़ते हैं, मतलब कि आपके कंपटीशन जो जिसके साथ रहता है, उसको देखिएगा कि कितने घंटे वो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्या करता है, उसको फॉलो हाँ करिएगा, जी और जी उससे हीर्षा ना करिएगा, हीर्षा आपको दूसरी बिल्कुल साइड ले जाती है। उसकी अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को पकड़ें और अपना अपने जीवन का सुधार करें। कभी भी जैसे कि जी क्लास में टॉप तो एक ही आना है, हाँ जी बिल्कुल तो उस टॉपर क्या करता है, और टॉप आने के लिए कितने घंटे पढ़ता है, क्या क्या उसकी हैबिट है, उन चीज को देखते हुए आपको उसको फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, तो आप हाँ हमेशा जी सक्सेस रहेंगे, ना कि उससे ईर्ष्या करनी। हाँ जी तो यही है बस, गुरु मंत्र तो यही है सब, जो गुरु जी हमारे यही देते थे कि अपना हार्डवर्क करते रहिएगा, और हाँ जो जी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने सही कहा कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, देर हो हाँ जाएगी जी पर अंधेर बिल्कुल नहीं होगा। तो आप हमेशा लगे रहिएगा, गिर जी के बिल्कुल ही आदमी उठना चलना सीखता है, तो यही है बस, आप हमेशा अपना एक टारगेट फिक्स रखिएगा और उसको उसके ऊपर हमेशा हार्ड वर्क करते रहिएगा। जी बहुत ही बढ़िया सर। तो प्रो कबड्डी लीग के सेकंड हाफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? सॉरी, प्रो कबड्डी लीग के सेकंड हाफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? सेकंड सेकंड हाफ सर, जो प्रो कबड्डी लीग है आने वाले वक्त में, उसका कैसे अच्छा कैसे अच्छा बढ़ अभी सकती देखो, है? अभी ऑक्शन है, अभी कबड्डी आई थिंक बढ़ती चली जा रही है, पहले से तो बढ़ी रही है, मैं 2 बार बोला, और अभी 5 और 6 का शायद ऑक्शन है नेक्स्ट मंथ, तो आई होप कि कबड्डी और भी ऊपर जाएगी। इंडिया का तो सेकंड नंबर गेम है अभी हाँ जी कबड्डी, है जो इतना पॉपुलर हुआ है 2-4 साल के अंदर ही, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कबड्डी को, हाँ जी तो आप सभी देखो फैंस ही होते हैं सबको, हम कोई नहीं, हमारा काम खेलने का है और फैंस होना जरूरी है, तो आप सब कबड्डी को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और मेरे जैसे प्लेयर्स से ऐसे इंटरव्यू लेते रहिएगा और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेकर आइएगा, और हाँ आई जी हाँ होप जी सर कि जरूर आपके कॉलेज से, आपके क्षेत्र से भी कोई इतना अच्छा प्लेयर्स निकल के आए जिसकी रुचि प्लेयर्स में है, वो भी आगे आए। अगर हाँ मेरे से जी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं हाँ जी आपको हाँ जी सर बताऊंगा जरूर कैसे स्पोर्ट्स में आगे आना है। तो यही है बस कि आगे कबड्डी बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार कबड्डी को दिया है आप लोगों ने। हाँ जी। आखिरी में जाने से पहले कुछ हमारी जनता को कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहें? जनता को एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई अपना अपना टारगेट फिक्स रखें, आप हाँ जी एजुकेशन में करना चाहते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में और खेल में, पहले कहते थे कि खेलो कूदोगे तो बनोगे गमार, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा हो गया है, पढ़ो लिखोगे तो भी नवाब ही बनोगे और खेलो हाँ जी कूदोगे तो भी नवाब ही बनोगे,
बस अपना जो हुनर है उसको आप पहचानिएगा और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, हार्ड वर्क करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और कबड्डी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। यस, तो सर इसी साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं। हमें आशा है कि आपको भी इतना ही मजा आएगा जितना मुझे और मेरी जनता को आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा आपकी लगा। आगे की कामयाबियों के लिए पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही भारत का नाम रोशन करते रहे और सफलता आपके चरण चूमती रहे। थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो दैट वॉज मिस्टर राहुल चौधरी, एंड दैट रैप्स अप दिस सेगमेंट ऑफ द एडमिलोरा सीरीज। We got to learn a lot from his life experiences and this interview. This is Gunengul signing off, and we hope to see you in the next edition as well.